ये जो पूरा है ना, ये डॉल हाउस है, आप देखेंगे ये खुद ही बनाया हुआ है। 5.5 का ही दो चीजें पड़ी हैं बस, सही है। ये बनना भी तो इतना जबरदस्त है। This is me, Shobha Saleha. Welcome back to my YouTube channel with another day, another vlog. तो आज मैंने थोड़ा सा आगे से कर्ल्स डाल लिया, बालों को थोड़ा डिफरेंट स्टाइल, मुझे बोर हो गई थी और बस सब मेरे ही चल गया। मैं ऐसा फुल मुँह बना के बैठी हूँ। ये है मेरा आज का आउटफिट। और धूप बहुत ज़्यादा है, पता क्या, रोज़ रोज़ पूनी बन स्ट्रेट ऐसे ही बात दिल किया सामने आगे वाली लटों को कर डालूँ। चले जी चलते हैं। क्या हुआ, क्या खुला कच्ची छोड़ बाल, ठीक है बोलो क्या हुआ बालों को पीछे से थी ना, वो तो बार बार खुलेंगे नहीं, उसको ना अच्छी तरह क्लिप कर दो। थैंक यू। हम अपनी हाला को छोड़ने आए थे, 5 मिनट स्टे हो गया हमारा इधर। अपार्टमेंट्स हैं ये अस्करी के, चेक करते हैं कैसे हैं। ये जूती ने मेरा बहुत साथ निभाया। लिफ्ट भी एक पूरा धच गया है, मुझे लगता है जो तो बंद ना हो जाए, साला बन जाए। देखें ये खुद बनाती हैं और ये कीस से बनी हुई है, कितनी प्यारी पेंटिंग है, हैंडमेड है, टोटली हैंडमेड। ये कीज है, पुरानी चाबियाँ, ये मिरर है, ये पुराना किचन है, ये बटरफ्लाई है, ये देखें कैरेज है, ये छोटी छोटी डिटेल्स देखें, ये सारी डिफरेंट चीज़ों को मिला के बनाया। ये जो पूरा है ना, ये डॉल हाउस है, आप देखेंगे ये खुद ही बनाया हुआ है, ये सारा वॉलपेपर, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये देखें ये पूरा घर आर्ट एंड क्राफ्ट में है और बहुत अमेजिंग है। ये देखें, मतलब जब वो डिटेल्स बताती है ना, वो इतनी ज़बरदस्त है ना कि ये छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने ग्रिल्स बनाई, विंडो बनाई, प्रॉपर चीज़ें कलेक्ट करके, कुछ उनकी बेटी की चीज़ें वो लेके उन्होंने बनाई थी, संभाल देती हैं। और ये देखें संभाल के फिर ऐसी चीज़ें क्रिएट होती हैं। और ये ओवरऑल लुक मोर आर्ट एंड क्राफ्ट बन रहा है, ये चेक कर सकते हैं, मिरर बन रहा है छोटी छोटी डिटेल्स के साथ। हाँ, ये सारे मुझे लग रहा है इनको जोड़ के इन्होंने बनाना है। और ये इन्होंने वॉच बनाई है डिफरेंट वॉलपेपर से, वेरी नाइस। और ये जो है ना, ये कॉइन से बनाया मिरर, ये सारे कॉइन्स हैं। और ये सारा केस्टों से बनाया गया हुआ बॉक्स, ये मैं खोल नहीं सकती, आई गेस लॉक है। और ये फ्रेम में सारे ये देखें लंदन बस, आई डोंट नो मैं इसका नाम भूल गया अब। ये बिग बैंग और इसके बाद ये लंदन की सारी खसूसियात हैं इसमें, आई गेस वेरी नाइस। ये मैं इम्प्रेस हो जाती हूँ उनकी ये चीज़ें देख के। तो मैं तो पागल हो जाती हूँ, मैंने वो कॉर्ड देखी है, हाँ कॉर्ड भी बहुत अच्छी है। ये क्या था इनका, ये इन्होंने ना छोटे छोटे आर्ट एंड क्राफ्ट बनाकर फ्रेम करवाए। वाओ, फ्रेम्स कितने अच्छे हैं, डंडे बढ़िया सब यार, हर चीज़ खुद ही आर्ट एंड क्राफ्ट में। वाह, पुराने जमाने हम कहते हैं फेंक दो ट्रंक्स, और वो देखो उन्होंने कितना चाहिए। हम कहते हैं कपड़े ले आए, जूते ले आए, और उन्होंने ये खर्चा बढ़ दिया, ये आप है, नहीं तो हम तो कपड़े ले आए जाके। प्लान करें बनाने का, पर मैं बना नहीं पाता। और ये मैंने इतना सामान जो है ना वो जमा करा है, करना पड़ेगा। आंटी आप बताना क्या खर्चा है, अगर जूलरी प्रोवाइड करें तो आप बना के देंगे। हाँ, ये तकरीबन बेटे 5-5.5 का ही 2 चीज़ें पड़ी हैं बस। सही वाह, ये बना भी तो इतना ज़बरदस्त है। 2300-2400 का ये लाउंज में डाइनिंग टेबल के सामने सीखनी पड़ेंगी, क्लासेस लेनी। हर चीज़ की इतनी डिटेल्स हैं, इतनी ज़बरदस्त। मतलब एक छोटा सा आइडिया, एक छोटी सी चीज़ जो हम निगलेक्ट कर देते हैं और वो ऐसे यूटिलाइज होती हैं। ब्यूटीफुल ना, मुझे एवरी डे। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। और ये होममेड क्रोशिये का बनाया है, इसकी शॉल बनेगी ज़्यादा सारे पैचेस लगा के ना इकट्ठे, तो ये शॉल बन जाएगी। कितना प्रिटी है। अच्छा, जितना लेटते उतना टायर फ्री हो गया। लिफ्ट पता है क्यों सिक्योर लग रही है, इसमें गैप नहीं है, वहाँ पे ना गैप है बड़ी, देखो कितनी है बड़ी। हाँ, पट्टे भी एकदम नीचे होती है, अंदर एसी है, एकदम नीचे होनी है ना। पार्किंग पे जाना और इनका ये है, हम ये इमरजेंसी हुआ मैंने इनके लिफ्ट में सिग्नल दिया, वो वापस हो गया। 2 मिनट के लिए गए थे, पहले ही लेट थे, फिर ऊपर पहुँचे हैं तो टायर पंचर हो गया। टायर पंचर हुआ तो अब ऑलमोस्ट 1 बज रहा है, 1 बज गया है और लेट हो गया। अब है गलती हमारी तो नहीं है, गाड़ी ख़राब हुई है, बट लेट तो हो गया है, बस अब चलते हैं। ये कुछ हो रहा है, बस ब्लॉकेज हो रही है ये वो, तो मैं बस निकली हूँ जल्दी जल्दी। वो भी क्या हुआ एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अनदर डे विद सेम व्लॉग। कल का दिन आपके साथ जो शेयर किया उसमें यही भागम दौड़ थी और साथ साथ प्रोटेस्ट का थोड़ा सा हुआ, बट वो कोई इशू नहीं था, चले कोई नहीं। पर बाकी काम वगैरह हो गए और फिर बस मैं घर आई और सारा नहाई और सो गई। फिर आप सुबह रेडी हूँ और ये मेरी मेकअप लुक है। आज मैंने बैंड्स बनाया है जो आएंगे, सबको नज़र आ रहा हो या नहीं आई डोंट नो, हमने कोशिश की है। और इस तरह बाल बना लिया, कुछ डिफरेंट लुक होने चाहिए। और काजल को मैंने आई शेड से एडजस्ट किया, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे एडजस्टमेंट कर लेंगे तो फैलेगा नहीं, उम्मीद है। और बस ये है आज की लुक। तो उम्मीद करती हूँ आज का भी व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और चलते हैं, फिर अब आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए सब लोग, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।